कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी वस्ती नसलेल्या शासकीय भूखंडावर कोरोनाग्रस्त मृतदेहाची अंत्यविधी व दफनविधी करावी बुलढाण्याच्या समाजसेवकाची मागणी. सध्या भर वस्तीत असलेल्या अंत्यविधी दफनविधीच्या ठिकाणी कोरोनाग्रस्त मृतदेहाची अंत्यविधी व दफनविधी केल्या जात असल्याने भविष्यात परिसरातील नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती व्यक्त करीत कोरोनाग्रस्त मृतदेहाची अंत्यविधी व दफनविधीसाठी वस्ती नसलेल्या शासकीय भूखंडावर व्यवस्था करावी अशी विनंती बुलढाण्याच्या नगरसेविका पती तथा समाजसेवक मोहम्मद अजहर यांनी आपल्या सहकाऱ्यासोबत कोरोना तक्रार निवारण समितीच्या नोडल अधिकारी यांच्याजवळ केली आहे. मोहम्मद एजाज, समाजसेवक और नगरसेवक पती. बुलढाणा शहर के अंदर अंत्यविधि और दफन विधि का जो इलाका है वो इलाका पूरा का पूरा बस्ती को लगकर आता है. और आज हमने बुलढाणा शहर के अंदर नोडल अधिकारी साहब की तरफ एक मांग की है कि कोविड-19 की वजह से अगर कोई पेशेंट का देहांत होता है तो उसे वो दफन विधि और अंत्यविधि करने के लिए जो बस्ती वाले इलाके के अंदर लेकर आ रहे हैं वो इलाके में ना लेकर आए, क्योंकि वो बीमारी के वजह से किसी को भी अगर उसकी लस लग गई तो ये बहुत बड़ा शहर के लिए नुकसान हो सकता है. और आने वाले समय में इस चीज़ की तरफ वो बराबर ध्यान दे, क्योंकि दफन विधि का और अंत्यविधि का जो इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक झोपड़पट्टी वगैरह के एरिया को लगकर आता है. आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ दूरी के ऊपर स्कूलें हैं, कुछ दूरी के ऊपर हॉस्पिटल भी है जहाँ दफन विधि का और अंत्यविधि का इलाका है. तो आज हमने प्रशासन से यही मांग नहीं करेंगे कि जो उनके खाली भूखंड की जो जगह है वो खाली भूखंड की जगह के ऊपर वो तत्काल दफन विधि का और अंतिम विधि का इंतज़ाम करें. और ये होना ही चाहिए, क्योंकि आज बुलढाणा शहर के जो हालात है, जो कोविड-19 की वजह से जो भी पेशेंट मरता है तो पूरे लोगों के दिल में आज बहुत सा बड़ा डर है ये बीमारी को लेकर. अगर इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो धारावीरी के अंदर जो हाल हुआ है वो हाल बुलढाणा में भी ग्रस्त मृतदेहाचे अंत्यविधी व दफनविधी वस्ती असलेल्या ठिकाणी झाल्यास भविष्यात या वस्तीतील नागरिकांना कोरोना संसर्ग होण्याची भीती व्यक्त करत वस्ती नसलेल्या शासकीय खुल्या भूखंडावर अंत्यविधी व दफनविधी करण्यासाठी व्यवस्था करावी अशी मागणी नगरसेविका पती तथा समाजसेवक मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानिश, जुनेद चौधरी, इम्रान चौधरी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्जाद्वारे केली. प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा.